हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि ट्यूबवेल या नलकूप क्या होता है तथा इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन ये सब जानने से पहले थोड़ा सा हम भूमि के सतहों के बारे में जान लेंगे कि क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भौम जल प्रवाह जो होता है वह किस प्रकार से होता है। भौम जल का प्रवाह, अगर कहा जाए कि भूमि सतह, यही दिखाया गया है जो हमारा जीएल है, या कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल है। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल सीधा इस सतह पे गिरता है और कुछ जल रिस करके भूमि के अंदर चले जाते हैं, यहाँ इसके अंदर आ जाएंगे। ये हमारा भूमि तल है, इसके नीचे आ जाएंगे। तो जो जल इसके नीचे चला जाता है वो हमारा कहलाता है अंतः श्रवण जल या भूमिगत जल। लेकिन जो भूमिगत में हमारा क्षैतिज प्रवाह बनता है, यानी वर्षा हुआ, भूमि तल के अंदर आया, जब भूमि के अंदर जल आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ कोई एक सतह है जो ठोस है, यानी यह इसमें पारगम्यता नहीं है, तो जल जब इसके नीचे आएगा यहाँ से रिस करके इस सतह पे आकर के रुकेगा, तो यहाँ से क्या होगा कि सतह अगर ढीली है या कह सकते हैं तिरछी है, तो यहाँ से क्या होगा कि यह भूमि जल क्षैतिज प्रवाह बना लेगा। जो यहाँ सतह पे आकर के जल इकट्ठा होगा यहाँ पे, वही जल यहाँ से क्षैतिज प्रवाह होने लगेगा। तो जो क्षैतिज प्रवाह होगा उसको कहेंगे रिसन। यानी अगर प्रवाह ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ जा रहा है तो अंतः श्रवण, और क्षैतिज दिशा में जा रहा है तो उसको रिसन कहा जाता है। इसके हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डर्सी। डर्सी के अनुसार क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि मृदा में जल का जो प्रवाह होता है, फालो होता है, वह अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है द्रव्यीय ढाल के। यानी ढाल जिस तरफ होगा, फालो हमारा या जल का प्रवाह उसी तरफ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं भूमि सतह के परतों के बारे में। तो जो हमारा भूमि सतह हो गया, यह एक प्रवेश सतह होगा और एक होगा हमारा अप्रवेश सतह। अप्रवेश सतह, इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रवेश सतह होता है, इस सतह को जलधारी परत कहा जाता है। जलधारी परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पारगम्यता का गुण होता है, और यह पारगम्यता के कारण जल अंतः श्रवण के कारण भूमि के अंदर चला जाता है और उसी परत में जल रुका होता है। जबकि जो हमारा अप्रवेश होता है या अपारगम्य सतह होता है, इसको अजलधारी परत कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जल रिस करके नहीं जा सकता, यानी कठोर चट्टान का बना होता है। यानी जो हमारी पृथ्वी के नीचे भूमि होगी वह सामान्यतः पारगम्य सतह होगी या तो फिर अपारगम्य सतह होगी, और यही परत एक दूसरे के ऊपर बनी होंगी। इसमें अगर कहा जाए कि बालू है, बजरी है, ग्रेवल है और सिल्ट, ये सब क्या होते हैं कि पारगम्य सतह कहलाती हैं। अगर इन मृदाओं से अगर भूमि की सतह बनी हुई है तो उसको हम पारगम या प्रवेश सतह कहेंगे। ये इनमें जल ग्रहण करने की क्षमता होती है और साथ ही इसमें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर प्रवाह भी होता है। अगर वहीं अपारगम्य परतों की बात की जाए तो जिसमें हमारा हो जाएगा ठोस चट्टान, मृतिका
आदि बहुत सारे ऐसे चट्टाने और मृदा हैं जो अपारगम्य होते हैं या कह सकते हैं अपरवेश से होते हैं। इसमें से जल होकर के दूसरे परत तक नहीं पहुंच सकता है, इसी परत पे आकर के जल हमारा एकत्रित होता है। अब इसमें जो हमारा जलधारी परत बताया गया, यह जलधारी परत को पुनः से तीन भागों में बांट दिया गया। पहला जो हमारा होगा वह होगा परिरुद्ध जल भृत। जलधारी परत को तीन भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला हमारा है परिरुद्ध जल भृत। जब कोई प्रवेश स्तर दो अप्रवेश स्तरों में के बीच में फंस जाती है तो उस फंसे हुए परत को हम परिरुद्ध जल भृत कहते हैं। जैसे कि कहा जाए भूमि सतह ये हमारा है, ऐसे डिवाइड होगा बहुत सारे भागों में। अगर यह हमारा एक सतह है, यह हमारा अपारगम्य सतह है, यह हमारा पारगम्य सतह है, फिर अपारगम्य सतह आ रही है, तो जो ये हमारी पारगम्य सतह होगी, यह सतह क्या हुआ कि दो अपारगम्य सतहों के बीच में फंस गया है या दबा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि परिरुद्ध जल भृति है। लेकिन यह जो ऊपर वाली सतह होगी, ये वाली सतह, इसको हम कहते हैं अपरिरुद्ध जल भृत। यानी भूमि सतह का जो सबसे ऊपर वाली भाग होती है वह हमारा अपरिरुद्ध जल भृति कहलाता है। एक हमारा होता है तीसरा जो होगा, इसको कहा जाता है परिचड जल भृति। इसमें क्या होता है कि जब हमारा कोई एक जलधारी परत हो और इसी जलधारी परत के बीच में एक ऐसा अजलधारी परत हो जो कटोरे के आकार का हो और इसके सतह पे आकर के कुछ जल एकत्रित हो रहे हों, तो इसी अजलधारी परत को ही परचड जल भृति कहते हैं। अब हम बात करेंगे नलकूप की। तो जो हमारा नलकूप होता है यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है स्टेनन नलकूप, दूसरा हमारा होता है क्वार्टर नलकूप, तीसरा हमारा होता है झिर्रीदार नलकूप। तो इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टेनन नलकूप क्या होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमको एक चित्र दिखाया गया है जहाँ पे ये हमको भूमि सतह दिखाई गई है, ये हमारा पाइप है। यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टेनर पाइप है, यानी एक पाइप हमारा इस प्रकार से बना होगा और इसी पाइप पे क्या किया गया है कि छोटे छोटे होल किए गए हैं, जैसे यहाँ पे लगाया गया है और यह पाइप यहाँ पे लगाया गया है, यानी कन्फाइंड एक्वाफायर में या परिरुद्ध जल भृति में, यह कह सकते हैं कि जलधारी परत में। तो हम अगर बात करें कि स्टेनन नलकूप होता क्या है, तो इस नलकूप के निर्माण में जमीन की कई पारगम तथा अपारगम परतों को भेद कर पानी प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दो अपारगम परतों को भेद करके पानी प्राप्त किया गया, जबकि यहाँ से जो इस नल में पानी आएगा वह हमारा दो पारगम परतों से या दो जलधारी परतों से आएगा। अब अगर बात किया जाए कि इसमें जो पाइप लगाए जाते हैं जालीदार लगाए जाते हैं, इसीलिए ये जो पाइप जालीदार लगाए गए हैं इसी कारण इसको स्टेनर नलकूप कहा जाता है। अपारगम परतों के जो सामने वाली साधारण मृदा होगी वहाँ पे हम सादा पाइप लगाएंगे, यानी जो पाइप हम लगाएंगे वहाँ पे सादा पाइप का आशय है कि प्लेन पाइप होगा और एक पाइप हमारा इस प्रकार का होगा जिसपे छोटे छोटे होल बने होंगे। तो ये हमारा स्टेनर हो गया या सादा या प्लेन पाइप हो जाएगा। तो जहाँ पे अपारगम्य सतह है वहाँ पे हमने लगा लिया सादा पाइप और जहाँ पे जलधारी परत है वहाँ पे लगा लिया गया स्टेनर वाली पाइप।
तो इसी प्रकार से इसको लगाएंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यह कैसे पता किया जाएगा कि कहाँ पे हमको स्टेनर पाइप लगाना है और कहाँ पे हमको प्लेन पाइप लगाना है। तो इसके लिए जो यहाँ से जब नल का निर्माण किया जाता है तो यहाँ से जो मृदा निकलती है उस मृदा का समय समय पर जांच करते रहते हैं और यह देखते रहते हैं कि कौन सी मिट्टी है और उस मिट्टी में जल की मात्रा की क्या उपस्थिति होगी। अगर अप्रवेश परत होगी तो उसमें जल नहीं होगा, जलधारी परत होगी तो उसमें जल की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। और स्टेनर नलकूप के लिए कम से कम 2 जलधारी परतों से जल लिया जाएगा, जहाँ पे एक यह परत दिखाई गई है और दूसरी ये दिखाई गई है, इन 2 जलधारी परतों से जल को प्राप्त किया जा रहा है। दूसरा जो नलकूप हमारा है इसको कहते हैं क्वार्टर नलकूप या कैविटी ट्यूबवेल। इसमें क्या किया जाता है कि जो जल प्राप्त किया जाता है यह जल मात्र एक ही जलधारी परत से प्राप्त किया जाता है, यानी किसी भी एक जलधारी परत से जल इसमें प्राप्त किया जाता है। क्योंकि यह एक ही जलधारी परत से जल प्राप्त किया जाता है तो यह कम गहराई के लिए भी बनाया जा सकता है, यानी कम गहराई पे जहाँ पे पानी उपस्थित होगा मिल जाएगा वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो पाइप डाले जाते हैं वह पाइप हमारे सादे होते हैं, यानी स्टेनर पाइप यहाँ पे नहीं डाले जाते हैं। जलधारी परत में पानी प्राप्त किया जाता है जो कि एक ही जलधारी परत हमारा होता है। जब यहाँ नलकूप कह सकते हैं बन जाता है तो यहाँ पे चूँकि पहले मुलायम मिट्टी होगी या कह सकते हैं इसके साथ बालू की मात्रा होगी, जब पंप के द्वारा यहाँ से जल को खींचा जाता है किसी भी यांत्रिक विधि से जल को बाहर निकालते हैं तो जो हमारा जलधारी परत होगा ये वाली भाग यहाँ पे क्या होगा कि मिट्टी और बालू उसी पानी के साथ बाहर आते रहेंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा, उसी गड्ढे को कैविटी कहा जाता है। एक निश्चित दूरी तक की जो बालू और मिट्टी होगी वह पानी के साथ बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पे एक गड्ढा बनेगा, उसी गड्ढा को कैविटी कहा जाता है। कुछ समय बाद क्या होगा कि जो यहाँ से जल निकलेगा वह जल हमारा साफ हो जाएगा और यहाँ से चूँकि बालू के कण उसमें नहीं आएंगे और पानी जो यहाँ पे कैविटी में आकर के एकत्रित होगा यह जल जो होगा स्वच्छ और साफ होगा। तो इस प्रकार से क्वार्टर नलकूप का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के नलकूप की। तो जो तीसरे प्रकार का नलकूप है यह हमारा है झिर्रीदार नलकूप, जिसको स्लॉटेड ट्यूबवेल के नाम से भी जाना जाता है। जब गहराई 80 मीटर से 100 मीटर हो जाती है और वहाँ पे मात्र एक ही जलधारी परत मिलता है, एक ही जलधारी परत मिलती है तो उन स्थानों पे हम झिर्रीदार नलकूप बनाते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो झिर्रीदार नलकूप में जो एक तह या कह सकते हैं एक जलधारी परत होती है उसी के सामने झिर्रीदार पाइप लगाया जाता है, या कह सकते हैं कि ऐसा पाइप लगाया जाता है जिस पे क्या होगा कि बीच बीच में ऐसे होल किए होंगे समान दूरी पे, या कह सकते हैं 10 से 15 mm की दूरी पे होल होगा और उस होल की जो साइज होगी वह 0.5 mm से लेकर के और 15 mm तक का होगा। बाद में क्या किया जाता है कि उसी होल के द्वारा जल इस पाइप में आता है और उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इसमें जो जल प्राप्त किया जाता है मात्र एक ही जलधारी परत से प्राप्त किया जाता है, जबकि जो हमारा क्वार्टर नलकूप था उसमें भी एक ही जलधारी परत से जल प्राप्त किया जाता था, लेकिन नीचे की तरफ क्या होता था कि यहाँ पे कैविटी बनती थी और इसमें कैविटी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाद में होता क्या है कि जब
हम पाइप इसके अंदर डाल देते हैं तो यहाँ साइड में क्या होगा कि कुछ खाली स्थान बच जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे होल होगा वह पाइप के व्यास से कुछ अधिक होता है। तो उन खाली स्थानों में क्या किया जाता है कि बजरी डाल दी जाती है या मोटा रेत जो हमारा होता है उसको डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पानी फिल्टर होकर के पाइप के पास आता रहता है। या किसी समय पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इसके होल किए गए थे, जाली लगाए गए थे, वो किन्हीं कारणों से बंद हो जाता है, तो इसमें क्या करते हैं कि वायु को अधिक प्रेशर पे या कंप्रेस करके भेजते हैं, तो इसके जो पास होल के पास जो मिट्टी या बालू आ करके रुक जाते हैं वो दूर चले जाते हैं और फिर इस नल से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम झिर्रीदार नल को बनाते हैं। यहाँ पे अगर चित्र देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक झिर्रीदार नल को बना करके दिखाया गया है, जहाँ पे यहाँ से पाइप दिखाई गई है, ये हमारा जलधारी पर्थ होगी और यह 80 से 100 मीटर की गहराई पे हमको यह जलधारी पर्थ मिलेगा। अब हम देखेंगे कि नलकूप भेदन की क्या विधियां हैं, या कह सकते हैं कि जो बोरिंग किया जाता है, बोरिंग करने की क्या क्या विधियां हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आघात विधि क्या होता है। आघात विधि में क्या करते हैं कि जिस स्थान पे हमको बोरिंग करना होता है उस स्थान पे सबसे पहले हम एक गड्ढा बनाते हैं, 2 मीटर से 2.5 मीटर व्यास का एक गड्ढा बनाएंगे और उस गड्ढे की गहराई जो रखेंगे वह 3 मीटर से लेकर के और 5 मीटर के बीच में रखेंगे। जब गड्ढा हमारा तैयार हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो चित्र में दिखाया गया है एक गड्ढा, जब गड्ढा हमारा तैयार हो जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ट्राईपॉड लगा देते हैं और उसी ट्राईपॉड के साथ एक घिरनी लगाते हैं और इसी घिरनी से होकर के रस्सी हमारा आता है और यहाँ पे क्या करेंगे कि एक केसिंग पाइप लगा देते हैं और उसी केसिंग पाइप के अंदर प्लंजर को डाल करके मिट्टी की खुदाई करते रहते हैं। अब यहाँ प्लंजर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अब देखेंगे तो हमको प्लंजर दिखाया गया है जो इस प्रकार से बना हुआ है। इसमें एक वाल लगा होता है, जो यह वाल लगा होता है यह मात्र एक ही तरफ खुलता है, जैसे जो ये प्लंजर हमारा इस प्रकार से बना हुआ है यहीं पे एक वाल लगेगा, जब यहाँ नीचे से दाब पड़ेगा तो यह वाल ऊपर की तरफ खुल जाएगा और यहाँ जो मिट्टी होगी और मिट्टी के साथ जल वह इसी प्लंजर के अंदर यहाँ पे चला आएगा। जब यहाँ इसके अंदर आ जाएगा और जैसे ही रस्सी को ऊपर खींचा जाएगा तो प्लंजर ऊपर जाने लगेगा, तो इसका जो वाल होगा यह नीचे की तरफ आ करके बंद हो जाएगा। यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। लेकिन जब मान लिया जाए कि प्लंजर का ये जो इतना भाग है मिट्टी से या कह सकते हैं जल के साथ भर जाता है, तो क्या करते हैं कि इस प्लंजर को केसिंग पाइप से बाहर निकाल लेते हैं। जब इस प्लंजर को केसिंग पाइप से बाहर निकालते हैं फिर इसको साफ कर लिया जाता है, यानी इसमें जो मिट्टी वगैरह आकर के भरे होते हैं उसको साफ कर लिया जाता है और जब यह साफ हो जाता है पुनः इसी घिरने से होकर के इसी केसिंग पाइप के अंदर डाल देते हैं और यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं जब तक कि निश्चित गहराई तक हम नहीं पहुंच जाते हैं। फिर बाद में क्या किया जाएगा कि केसिंग पाइप को धीरे धीरे करके बाहर निकालेंगे और बोरिंग के लिए जो पाइप होगा वह इसके अंदर डालेंगे और जो साइड में स्थान बचेगा उन खाली स्थानों पर बजरी को भर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आघात विधि का प्रयोग करके हम नलकूप का निर्माण या कह सकते हैं कि बोरिंग का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा जो विधि हमारा है यह है धावन विधि, वाश बोरिंग मेथड।
जो इस विधि का जब प्रयोग किया जाता है, कह सकते हैं कि बालू युक्त मृदा हो या कह सकते हैं कमजोर भूमि हो, तो वहाँ पे अगर हमको बोरिंग करना होता है तो इसके लिए हम धावन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें केसिंग पाइप के अंदर कम व्यास का पाइप डालते हैं, जिसका कह सकते हैं नीचे का जो सिरा होगा वह हमारा शंक्वाकार होगा, यानी कुछ इस प्रकार से बना होगा, और इसी शंक्वाकार भाग में जेट लगे होंगे या कह सकते हैं बहुत पतले पतले अनेकों सुराख होंगे, और इन पतले पाइप के ऊपर से उच्च दाब से क्या किया जाएगा कि जल डाला जाएगा, पानी को भेजेंगे। तो यहाँ से जेटों से पानी बहुत दाब से निकलेगा जो शंक्वाकार भाग होगा, और तेज़ी से आने के कारण मिट्टी वहाँ की बलुई मिट्टी या कमज़ोर मिट्टी होगी उसमें होल हो जाएगा, और यह होल क्या होगा, होल हो जाने के बाद जो वहाँ से कह सकते हैं कि मिट्टी निकलेगी और जल, जब यहाँ से जेट से निकला पानी तो यहाँ पे मिट्टी खुद जाएगी और उसी के साथ पानी का और मिट्टी का घोल बन जाएगा, फिर ये साइडों से होकर के ऊपर के तरफ बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से होकर के ये यहाँ से आकर के यहाँ पे स्टोर होगी। यही प्रक्रिया लगातार होती रहती है जब तक कि हम एक निश्चित गहराई तक नहीं पहुँच जाते हैं। जब हमारी गहराई पूरी हो जाती है फिर केसिंग पाइप को बाहर निकालते हैं और वहाँ बोरिंग के अंदर पर्याप्त व्यास का पाइप डाल दिया जाता है और फिर वहाँ से पानी को निकाल लिया जाता है। तो हम तीसरी विधि की बात करें तो जो हमारा तीसरी विधि है वह है ड्रिलिंग विधि, ड्रिलिंग मेथड। अब इसके अंतर्गत हमारी दो विधियां आती हैं, एक रोटरी कोर विधि, दूसरा कोर ड्रिल विधि। अब हम इसमें देखेंगे कि रोटरी कोर विधि क्या होता है। तो जो हमारा रोटरी कोर विधि है इसके द्वारा ड्रिल पाइप को ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया जाता है और तेज़ी से इसको घुमाया जाता है, तेज़ी से घुमाया जाता है जिसके कारण पाइप के निचले सिरे पे क्या होगा कि एक बिट लगा दिया जाता है, या कह सकते हैं कि इस प्रकार से बना होता है कि इसके लगातार घूमने से मिट्टी कटती जाती है, और इस मिट्टी के कटने से यहाँ नीचे की तरफ होल होने लगता है और पाइप जो हमारा होता है ये नीचे की तरफ जाने लगता है। ड्रिल पाइप में ऊपर से बहुत ही दाब से पानी को भी भेजा जा सकता है, जिससे क्या होगा कि मिट्टी का और जो कटी हुई मिट्टी है उस मिट्टी का और जल का घोल बन जाएगा और वो पाइप के बगल से होते हुए यहाँ से ये बाहर निकल आएगा, और इसी क्रिया को लगातार दोहराते रहते हैं जब तक कि एक निश्चित गहराई तक हम नहीं पहुँच जाते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ये यहाँ पे हमारा एक बिट दिखाया गया है जो इस प्रकार से ऐसे करके बना हुआ, यहाँ पे इस प्रकार से दांते दिखाई गई हैं जो मिट्टी को काटने का काम करती है। ये हमारा एक केसिंग पाइप है जिसके अंदर पानी आएगा और ये ड्रिलिंग पाइप है जो ड्रिलिंग पाइप के साथ ये बिट हमारा जुड़ा होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि जो हमारा ड्रिलिंग का है, कोर ड्रिल विधि। इस विधि के द्वारा बहुत कठोर या कह सकते हैं अति कठोर चट्टानों में छिद्र करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें ड्रिल पाइप के निचले सिरे पे इस्पात की बिट लगाई जाती है या कह सकते हैं इस्पात के गोले लगाए जाते हैं जो लगातार घूमती रहती है, और उसी गोले के कारण या बिट के कारण इसमें मिट्टी की खुदाई होती रहती है, जिससे कि वह नीचे के तरफ पाइप जो हमारा केसिंग पाइप होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है,
अब यहाँ पे जो केसिंग पाइप प्रयोग किए जाते हैं इस प्रकार से ना हो करके इसके ये वाले जो भाग होंगे ये कुछ नुकीले बना दिए जाते हैं, जिससे कि पाइप के स्वयं के भार के कारण भी यह नीचे की तरफ बैठ जाता है या कह सकते हैं मिट्टी में धंसता चला जाता है। और साथ ही साथ ड्रिलिंग भी होती रहती है, तो ड्रिलिंग के कारण भी यहाँ पे होल होता रहता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए ड्रिल कोर के लिए दिखाया गया है कि यहाँ पे इस प्रकार से जो हमारा पाइप होगा यहाँ से देखेंगे तो इसी प्रकार से बना होगा, जो कह सकते हैं कि पाइप के निचले सिरे पे एक सू लगा होगा जो कि मिट्टी को काटने का काम करती है। और इसका जो बिट बना होता है यह बिट हीरे का होता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की चट्टानें हों वह सरलता से कट जाए या उसमें होल होता हुआ चला जाए। इस प्रकार से इसमें होल करते हैं और जब पर्याप्त गहराई पर पहुंच जाते हैं तो पर्याप्त गहराई पे पहुंचने के बाद हम इसको बंद कर देते हैं और केसिंग पाइप को निकाल करके और वहाँ पे आवश्यकता अनुसार पाइप डाल दी जाती है और फिर उस पाइप से किसी भी यांत्रिक विधि के द्वारा जल को बाहर निकाला जाता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।